तो यहाँ पर हमारा दूसरा पाठ का नाम है, त्योहार संबंधी पाठ है, उस पाठ का नाम है ईदगाह। क्या पाठ है? ईदगाह। तो बच्चों, आप सभी अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसके साथ एक उत्तर पुस्तिका भी रख लीजिए और एक कलम भी हाथ में रख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पाठ का नाम क्या है? ईदगाह। यहाँ पर लिए तो हमें ईद का अर्ध पर्याय शब्द है। ईद पर्याय शब्द क्या है? ईद का पर्याय शब्द है उत्सव, पर्व, त्योहार। ये सभी ईद का पर्याय शब्द है। जो पर्याय शब्द यानी एक शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ बताने वाले शब्द को ही हम एक शब्द को उसी अर्थ देने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर ईद का पर्यायवाची शब्द है उत्सव है और पर्व है और त्योहार है। तो यहाँ पर ईदगाह का अर्थ है ईद में नमाज पढ़ने का स्थान है। ईद में नमाज पढ़ने का स्थान है। जो हम हिंदू लोग त्योहार के दिन मंदिर को जाते हैं, यानी गिरिजाघर जाते हैं। गिरिजाघर का अर्थ है, हम सभी को मालूम है, चर्च। और मंदिर का अर्थ मालूम है हमें, देवालय। और उसी का मुसलमान भाई लोग जाते हैं ईद के दिन, उसे ईदगाह बोलते हैं। ईदगाह का अर्थ है मुसलमान भाई लोग विशेष प्रकार के दो त्योहार मनाते हैं, रमजान है और एक है सो बकरीद है। विशेष प्रकार के साल में दो त्योहार प्रमुखता से निभाते हैं, उसमें ईदगाह मानी अर्थ है ईद के दिन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, उसको ईदगाह कहते हैं। उस दिन ईद के दिन मुसलमान भाई लोग ईदगाह जाते हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पर त्योहार मनाते हैं। तो आज हमारा पाठ है दसवीं कक्षा के पुस्तक में दूसरा पाठ का नाम है ईदगाह। इसके बारे में हम यहाँ पर जान लिए। ईद का पर्यायवाची शब्द है उत्सव, पर्व, त्योहार। तो चलिए बच्चों, पहले हम पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक खोल कर हम पाठ पढ़ने का शुरू करेंगे, जो हम सीसी की विधा से यहाँ पर पाठ पढ़ेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में पहला है ईदगाह के पाठ में पहला है हमें उन्मुखीकरण। यहाँ पर हमें पाठ्य पुस्तक में उन्मुखीकरण दिया गया है। एक बार मैं पढ़ूंगी, आप सभी लोग आपके पुस्तक देखकर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ उन्मुखीकरण। पथिकों को जलते दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। यहाँ पर उन्मुखीकरण दिया गया है, तो उसका भाव देखिए। पथिकों को जलते दोपहर में, पथिक का अर्थ है पथ का अर्थ है यहाँ पर रास्ता का अर्थ है तेलुगु में इसका दारी। जलते दोपहर में, जो हमारा समय एक दिन में 24 घंटे है, 24 घंटे को हम 12 घंटे रात के रूप में और 12 घंटे
हम दिन के रूप में निभाते हैं। जैसे दिन में हमें एक है प्रातः काल और सुबह और दोपहर और शाम और रात। इस प्रकार हम एक दिन सुबह का समय इस प्रकार बिताते हैं। प्रातः काल माने अर्ली मॉर्निंग है और सुबह का अर्ध है जो सुबह का अर्ध है मॉर्निंग यानी उदय हो और दोपहर का अर्ध है आफ्टरनून, इसे हम तेलुगु में बोलते हैं मध्याह्न हो, और शाम का अर्ध है संध्या समय यानी सायंत्रम हो, और रात का अर्ध है रात्रि। यहाँ पर हम इस दोनों को भी हम विलोम शब्द के रूप में लिख सकते हैं, सुबह दोपहर, और यहाँ पर रात का विलोम शब्द भी हम भाषा की बात में लिख सकते हैं रात, यहाँ पर भाषा की बात भी हो सकता है। पतिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, छाया का अर्थ होते हैं शाडो, इसका तेलुगु में बोलते हैं हम नीड़ा छाया, और यहाँ पर बोले तो और एक पेड़ का पर्यायवाची शब्द है तरु, बीटप